आज हम जिस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत से किरदार निभा चुका है। पहले मार्शल आर्टिस्ट, उसके बाद एक सुपरस्टार एक्टर और फिर बने पॉलिटिशियन, जिसका नाम फोर्ब्स इंडिया में 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में 2013 के बाद से आज तक ना जाने कितनी बार आ चुका है। तो आइए जानते हैं फिर इस व्यक्ति के बारे में। नमस्कार, मैं हूं नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। इस व्यक्ति का जन्म हुआ 2 सितंबर 1968 में एक तेलुगु परिवार में कौंडिल्य वेंकट्टा राव एंड अंजना देवी के घर बापातला आंध्र प्रदेश में। ये चिरंजीवी और नागेंद्र बाबू के छोटे भाई हैं। अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये कौन है। ये है कौंडिल्य कल्याण बाबू उर्फ पवन कल्याण। कल्याण ने अपनी पढ़ाई नेल्लोर के सेंट जोसेफ हाई स्कूल से करी। वहाँ एक पब्लिक मार्शल आर्ट्स प्रेजेंटेशन के दौरान उनको टाइटल दिया गया पवन का। पवन कल्याण कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। अब जब ये इतने बड़े परिवार से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी फिल्मों की बात भी होनी ही चाहिए। तो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं ये पवन कल्याण। इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया 1996 में। इनकी एक फिल्म जिसको डायरेक्ट किया था एक करुणानिधि ने, उसको नेशनल अवार्ड मिला था और साथ ही 6 नंदी अवार्ड भी मिले थे। अब आपको बता दें, ये नंदी अवार्ड तेलुगु सिनेमा के बड़े अवार्ड में से एक है। फिर क्या था, ऐसे ही इनका करियर चलता गया और यह भी तेलुगु सिनेमा में राज करने वाले एक्टर्स में से एक हो गए। 2001 में जब इनके भाई कोका कोला को प्रमोट कर रहे थे तो ये पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। इन्होंने 2003 में जॉनी नाम की फिल्म करी, जो कि इन्होंने खुद ही लिखी और डायरेक्ट करी थी। और ऐसे ही आगे चल के इन्होंने बहुत सी फिल्में लिखी और डायरेक्ट भी करी, और यहाँ तक कि इन्होंने 3 गाने भी कोरियोग्राफ करे। एक समय इनकी फिल्में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में हुआ करती थी टॉलीवुड में। 2014 के स्टार इंडिया के सर्वे के मुताबिक पवन कल्याण इंडिया के टॉप 5 हीरोज में से एक थे, और इन्होंने बहुत ही फिल्मों की जैसे दबंग और ओ माई गॉड के रीमेक भी बनाए थे, जिसको टॉलीवुड की ऑडियंस ने बेहद पसंद किया था, और ऐसे इनका एक्टिंग करियर तो चलता रहा। अब अगर बात करें इनके व्यक्तिगत जीवन की, यानी इनकी शादीशुदा जिंदगी की, तो वो कुछ यूं है कि पवन कल्याण ने 1997 में नंदिनी से शादी की अपनी फिल्म डेब्यू का एक साल बाद। 2001 में कल्याण ने अपनी को स्टार रेणु देसाई के साथ, जो बद्री फिल्म में थी, एक लिव इन रिलेशनशिप शुरू किया। उनका बेटा अकीरा नंदन 2004 में पैदा हुआ। जून 2007 में नंदिनी ने कल्याण पर बायजमी केस फाइल किया। बायजमी केस वो होता है जब एक व्यक्ति शादीशुदा होकर भी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करता है। खैर, अब बात पर वापस आते हैं। नंदिनी ने ये दावा करते हुए केस किया कि उन्होंने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। कल्याण ने जवाब दिया कि उन्होंने देसाई से शादी करी ही नहीं है। विशाखापट्टनम के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबूत की कमी के कारण उन्हें इस चार्ज से बेखायब बरी कर दिया गया। उसके बाद जुलाई 2007 में कल्याण ने विशाखापट्टनम के एक फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई किया, ये दावा करते हुए कि नंदिनी ने शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़ दिया, जो उनके लॉयर ने मना किया। अगस्त 2008 में उनका तलाक फॉर्मलाइज हुआ और कल्याण ने 5 करोड़ एलिमनी के रूप में एक बार में सेटलमेंट में दे दिया। 2009 में कल्याण ने देसाई से शादी की और 8 साल के लिव इन कंपेनियनशिप के बाद उनकी बेटी आद्या 2010 में पैदा हुई। ये जोड़ी 2012 में अलग हो गई एक फॉर्मल तलाक के साथ। देसाई ने बाद में कहा कि पर्सनल रीजंस के कारण वो अलग हुए, लेकिन अब भी उनका कल्याण के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है। कल्याण अपनी तीसरी पत्नी एना लेजनावा, जो कि एक रशियन सिटीजन है, उनसे 3 मार्च, जो कि 2011 में आई थी, उसके शूट के दौरान मिले थे। उन्होंने सितंबर 2013 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हैदराबाद के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करी। इस जोड़ी की एक बेटी पोलेना और एक बेटा मार्क शंकर है। अब हम इनके राजनीतिक करियर की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इनका राजनीतिक करियर। 2008 में जब प्रजा राज्यम पार्टी के यूथ विंग के ये प्रेसिडेंट हुए, और ये पार्टी इनके भाई ने ही शुरू करी थी, यानी चिरंजीवी ने। उन्होंने ना तो इलेक्शंस में कंटेस्ट किया और ना ही प्रजा राज्यम पार्टी के दौरान किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को संभाला, जबकि उन्होंने पार्टी के लिए एक्टिवली कैंपेन किया। उन्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ी। कल्याण को वॉमिटिंग होती थी और उन्हें 19 अप्रैल 2009 को वाइजैग में एक रोड शो के दौरान सनस्ट्रोक भी हो गया था। बाद में 2011 में जब चिरंजीवी ने अपनी पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज किया, तब कल्याण ने पॉलिटिकल लाइफ से ब्रेक ले लिया अपने भाई को डिसीजन से नाराजगी व्यक्त करते हुए, यानी वो इनके इस डिसीजन से खुश नहीं थे।
उसके बाद 14 मार्च 2014 में कल्याण ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनसेना पार्टी। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका टाइटल था इज्म है, जो कि जनसेना पार्टी की आइडियोलॉजी भी है। इन्होंने तब के भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी से मिलकर दोनों तेलुगु स्टेट्स के इश्यूज डिस्कस किए और अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी अलायंस के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक्सटेंसिवली कैंपेन किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के रूल का विरोध किया और स्लोगन कांग्रेस हटाओ देश बचाओ ये भी सुनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी रैलीज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ह्यूज क्राउड्स को अट्रैक्ट करती थी। अगस्त 2017 में उन्होंने अनाउंस किया कि वो अक्टूबर 2017 से फुल टाइम पॉलिटिक्स में आएंगे जब उनकी फिल्म कमिटमेंट्स खत्म हो जाएंगी। कल्याण ने उद्दानम किडनी डिसीज क्राइसिस को मीडिया और पॉलिटिशियंस की अटेंशन में लाए प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक के माध्यम से। आंध्र प्रदेश सरकार ने डायलिसिस सेंटर्स बना के और वेरियस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करके इस जवाब का रिस्पॉन्ड किया। नवंबर 2016 में कल्याण ने अनाउंस किया कि जनसेना 2019 के जनरल इलेक्शंस में आंध्र प्रदेश में कंटेस्ट करेगी। उन्होंने कहा कि वो बिना किसी अलायंस के आंध्र प्रदेश की सारी यानी 175 लेजिस्लेटिव सीट से कंटेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी DCI को प्राइवेटाइज करने के मूव का विरोध किया। उन्होंने TDP गवर्नमेंट के लैंड पुलिंग डिसीजन का विरोध किया। उन्होंने एलिज अंशेग माइनिंग को एक्सपोज किया जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया वंथारा विलेज ऑफ प्रथीपुड़ू इन ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में हो रही थी। कल्याण ने जनसेना पार्टी का 2019 इलेक्शन मैनिफेस्टो राजमुंड्री पब्लिक मीटिंग में अनाउंस किया, जिसमें कई मेजर थे जो फार्मर लेबर्स वुमेन यूथ और स्टूडेंट्स के जीवन को सुधारने के लिए बनाए गए थे। उनकी पार्टी ने 2019 के इलेक्शंस के लिए लेफ्ट पार्टीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर कंटेस्ट किया दोनों तेलुगु स्टेट्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। जब वो इलेक्शंस के लिए एक्टिवली कैंपेन कर रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई और उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जब वो अपने अगले कैंपेन के लिए सत्तेनपल्ली में रेडी हो रहे थे तो उन्हें एक चक्कर आया और नौजिया महसूस हुई। जब चॉपर को गन्नवारा एयरपोर्ट पर रिफिलिंग के लिए रोका गया, उन्हें वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन और ड्राउजीनेस हुआ। तुरंत ही उन्हें विजयवाड़ा में हॉस्पिटलाइज किया गया और ट्रीटमेंट चालू किया गया। फिर कैंपेन उनके ठीक होने के बाद रिज्यूम हुआ। जनसेना पार्टी ने 2019 के आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में 140 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट किया। कल्याण ने दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज गजुवाका और भीमवारा में से कंटेस्ट किया। उन्होंने दोनों सीट्स YSR कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से हारी। उनकी पार्टी सिर्फ रजोल सीट जीत पाई, जो इलेक्शन में जीती गई एकमात्र सीट थी। फिर उसी साल 3 नवंबर 2019 को कल्याण ने विशाखापट्टनम में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के सपोर्ट में YSR कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक लॉन्ग मार्च लीड किया, जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे थे सैंड सप्लाई के शॉर्टेज के कारण आंध्र प्रदेश शहर में। 16 जनवरी 2020 को कल्याण ने अपनी पार्टी का अलायंस BJP के साथ अनाउंस किया, उनसे 3 साल की दूरी बनाए रखने के बाद। दोनों पार्टीज ने मिलकर 2024 इलेक्शंस लड़े। 12 जनवरी 2020 को उन्होंने सुगली प्रीति के लिए जस्टिस के लिए एक रैली लीड की, जो कि एक 15 साल की लड़की थी जिसके रेप और मर्डर किया गया था कुरनूल में। उन्होंने इस इंसिडेंट की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI द्वारा इंक्वायरी की डिमांड की। अब इतनी मेहनत के बाद परिणाम तो अच्छा निकलना ही था, और वही परिणाम ये निकला कि जनसेना पार्टी ने 2024 आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में 21 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट किया, जिसमें कल्याण ने पिथारपुरा में कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट किया। उन्होंने 70,000 वोट्स के मार्जिन से जीत हासिल की। जनसेना पार्टी ने सभी कंटेस्ट की गई 21 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और 2 लोकसभा सीट्स भी जीती, और 12 जून 2024 को कल्याण ने आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ भी ली, और 16 जून 2024 को उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया गया आंध्र प्रदेश शहर का। तो ये थी बात पवन कल्याण की। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ABP लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।